हेलो क्लास एट. सो इन प्रीवियस वीडियो ऑफ इन हिस्ट्री आई वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच आई हैव एंडेड हियर विद द रिवोल्ट ऑफ दिल्ली एंड द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, बहादुर शाह वॉज कैप्चर्ड एंड ही डाइड इन 1862 एंड हिज सन्स वर ऑल्सो शॉट डेड. ओके, नॉन टुडे वी विल लर्न अदर सेंटर्स ऑफ द टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट. द रिवोल्ट इज स्प्रेड टू वेरियस रीजन्स. इट वन द सपोर्ट ऑफ डिस्पोजिस नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंड द आर्टिसंस एट द पीजेंट्स. इट मन रिवोल्ट में इन सब लोगों ने रिवोल्ट को सपोर्ट किया बिकॉज सभी परेशान हो रहे थे. हाउएवर इट वॉज नॉट ऑल इंडिया इन कैरेक्टर. पंजाब, राजस्थान, बंगाल एंड द डेक्कन रिमेंड ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड. इस रिवोल्ट से ये सारी जगह अनअफेक्टेड थी. आफ्टर मेरठ एंड दिल्ली द रिवोल्ट स्प्रेड मेनली टू कानपुर, लखनऊ जो कि अवध था, झांसी, ग्वालियर, बरेली एंड आरा जो कि बिहार के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट आपका आ गया कानपुर. कानपुर में रिवोल्ट कैसे हुआ? नाना साहेब द डिसकंटेंटेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड लेड द रिवोल्ट एट कानपुर. तात्या तोपे एंड अरेमुल्ला खान लेड हिज ट्रूप्स. इन दिसंबर 1857 द ब्रिटिश कैप्चर्ड कानपुर. नाना साहब फ्लेड टू नेपाल, मतलब भाग गए नेपाल. तात्या तोपे एंड अरेमुल्ला वर लेटर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड. उनको पकड़कर मार दिया गया. नेक्स्ट आपका आता है लखनऊ का रिवोल्ट. बेगम हजरत महल वाइफ ऑफ द डिपोस्ट रूलर वाजिद अली शाह ऑफ अवध लेड द रिवोल्ट एट लखनऊ. She was held by another rebel leader, Maulvi Ahmadullah Shah of Faizabad. इन्होंने उनकी हजरत महल की हेल्प की थी रिवोल्ट में. By March 1858, the British captured लखनऊ. ब्रिटिश ने फिर 1858 तक लखनऊ को भी कैप्चर कर लिया. द बेगम हजरत बेगम एस्केप टू नेपाल, वो नेपाल चली गई, मैंने भाग गई वहाँ से छिप कर. मौलवी अहमदुल्ला कंटिन्यूड फाइटिंग अंटिल ही वॉज एसेसिनेटेड. मतलब इन्होंने ये रिवोल्ट को कंटिन्यू रखा और लास्ट में उनका भी कत्ल कर दिया गया. नेक्स्ट आपका आता है आरा. कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर लेड द रिवोल्ट एट आरा इन वेस्ट बिहार. वेस्ट बिहार से आरा में ये रिवोल्ट उठा था. जो ही ऑर्गेनाइज रिबेल ग्रुप्स, उन्होंने अलग अलग रेबेलियंस के ग्रुप बनाए थे इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड उत्तर प्रदेश एंड फ्री पार्ट्स ऑफ बिहार. उन्होंने कई बिहार के हिस्सों को इनसे ब्रिटिश से आज़ाद भी कराया था. ही डाइड ऑफ वॉर वुंड्स, लड़ाई में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी इन अप्रैल 1858. नेक्स्ट रिवोल्ट उठा आपका बरेली में. खान बहादुर खान लेड द रिवोल्ट एट बरेली. इन्होंने ये बरेली में रिवोल्ट चलाया. द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड इन मे 1858. इस रिवोल्ट की जो आग उठी थी उसको दबा दिया गया मे 1858 तक. व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड बरेली, जब ब्रिटिश ने बरेली को कैप्चर कर लिया. नेक्स्ट आपका आता है झांसी एंड ग्वालियर. रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द रिबल्स बिकॉज हर अडॉप्टेड सन वॉज डिनाइड इनहेरिटेंस ऑफ द थ्रोन ऑफ झांसी. मतलब उन्होंने जो अपना बेटा गोद लिया था राजगद्दी संभालने के लिए, वो आपका मना हो गया ब्रिटिश कंपनी के थ्रू, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के उसके कारण था. माने उन्होंने जो पॉलिसी निकाली थी कि जो है कोई भी अडॉप्टेड सन जो है वो थ्रोन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और वो राजगद्दी माने वो जगह, वो आपका रीजन जो है वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा अगर कोई उनका खुद का बेटा, खुद का बच्चा नहीं होता है. शी कैप्चर्ड ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ तात्या तोपे. उन्होंने तात्या तोपे, शी कैप्चर्ड ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ तात्या तोपे. तात्या तोपे की मदद से उन्होंने ग्वालियर को कैप्चर किया एंड ड्रोव आउट द मराठा चीफ सिंधिया हु हैड रिमेंड रॉयल टू द ब्रिटिश. जो कि मैंने हम ब्रिटिश के हमेशा भरोसेमंद रहे, उनको वहाँ से भगा दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है बट द ब्रिटिश रिकैप्चर्ड ग्वालियर. ब्रिटिश ने वापस से ग्वालियर को रिकैप्चर कर लिया एंड द रानी डाइड फाइटिंग इन जून 1858. और रानी लक्ष्मीबाई मर जाती हैं लड़ाई लड़ते लड़ते 1858 में. नेक्स्ट आपका आता है द ब्रिटिश डेल्ट विद द रिबल्स रूथलेसली. जो रेबेलियंस थे इनके टाइम, मैंने जितने भी रेबेलियंस उठे उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया. आफ्टर द रिवोल्ट वॉज सप्रेस, जब रिवोल्ट की आग दब गई. हाउएवर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग इशूड अ प्रोक्लेमेशन
पार्डनिंग ऑल रिबल्स एक्सेप्ट दोज फाउंड गिल्टी ऑफ किलिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, मतलब उन सारे रेबेलियंस को छोड़ दिया गया सिवाय उनके जो कि गिल्टी पाए गए थे, जिन्होंने ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पर ब्रिटिश लोगों को मारा था, उनको छोड़कर उनके लोगों उन लोगों को छोड़कर बाकी को प्रोक्लेमेशन की गई कि मतलब उनको मतलब माफ उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वाई द रिवोल्ट फेल्ड। अब रिवोल्ट फेल क्यों हुआ? द ब्रिटिश हैड द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड से इनको बहुत तगड़ा सपोर्ट था ब्रिटिश को। बिसाइड्स देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिंग सेंटर्स थे इन इंडिया, वर वेल कनेक्टेड बाई रेलवेज, रेलवे से इनका अच्छा माने रेलवे का नेटवर्क अच्छा था, इनका रोड्स का नेटवर्क अच्छा था, टेलीग्राफ लाइन्स अच्छी थी, माने इनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी। द ब्रिटिश ऑल्सो हैड एबल जनरल्स एंड सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स, और इनके पास टेक्निक्स बहुत बढ़िया थी, मिलिट्री टेक्निक्स अच्छी थी, इनके पास गवर्नर्स बहुत अच्छे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, देखो क्या दिया है, इन कॉन्ट्रास्ट द इंडियन मिलिट्री टेक्निक्स वर आउटडेटेड, इंडिया के पास जो मिलिट्री टेक्निक थी वो आउटडेटेड थी। रिबेल लीडर्स लैक्ड एक्सपीरियंस, और जो रेबेलियंस थे जो सिर्फ गुस्से की आग में वो लड़ाई लड़ते थे, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसका, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था लोगों के बीच में आपस में कि आपसी एक कोऑर्डिनेशन बना के चलते तो शायद जीत जाते। एंड दे फेल्ड टू कंसोलिडेट देयर गेंस, और इस कारण माने वो गेन नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए। मोर ओवर द रिबल्स गॉट ऑलमोस्ट नो सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश स्ट्रॉन्गहोल्ड्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इन जगहों से जहाँ पर जो कि जगह अफेक्टेड नहीं थी इन रिवोल्ट से, यहाँ से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। वेयर द ब्रिटिश टुक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस टू कीप रेबेलियंस पीपल इन चेक, और ब्रिटिश ने पूरा ध्यान रखा कि जहाँ भी रेबेलियंस उठ रहे हैं उनको वहाँ दबा दिया जाए। इन कैलकटा फॉर एग्जाम्पल अ रेजिमेंट ऑफ आर्म गार्ड्स वॉज फॉर्म्ड एंड गिवन फुल अथॉरिटी टू ओपन फायर ऑन पीपल इवन सस्पेक्टेड ऑफ रेबेलियंस एक्टिविटी, एंड इन मद्रास पीपल सस्पेक्टेड ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ रेबेलियन वर अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू द अंडमान आइलैंड्स, मतलब जो लोग इस रेबेलियंस के लिए लोगों के बीच एक मान लो उनका प्रचार कर रहे थे कि मतलब ये रिवोल्ट उठा है, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा जो भी इन जगहों पे इनको सपोर्ट कर रहा था, तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और अंडमान आइलैंड्स भेज दिया जाता है, अंडमान आइलैंड्स भेज दिया जाता है। द रूलर्स ऑफ मेनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स रिमेंड अलूफ एंड सम, मैंने किसी से कहीं भी इन रेबेलियंस को सपोर्ट नहीं मिला। एंड सम रूलर्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द रूलर ऑफ नेपाल, सम राजपूत प्रिंसेस, द रूलर्स ऑफ पटियाला, नाभा एंड कश्मीर, एंड सम चीफ्टेंस ऑफ पंजाब इवन हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट, मैंने इस रिवोल्ट को दबाने में देखिए अपने ही लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को। ठीक है, अनदर वीकनेस ऑफ द रिवोल्ट वॉज द अलूफनेस ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस हु प्रोबेबली रिगार्डेड ब्रिटिश रूल एज अ नेसेसिटी फॉर इंडियंस मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो लोग ब्रिटिश एजुकेशन पे बिलीफ रखते थे वेस्टर्न एजुकेशन पे, उन इंडियंस से भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश के जो रूल्स हैं वो हमारी ज़रूरतें हैं ताकि इंडिया एक मॉडर्नाइजेशन पीरियड देख सके, ठीक है, मॉडर्न बन सके इंडिया, इसलिए ब्रिटिश का होना, ब्रिटिश रूल होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ऐसे भी कुछ इंडियंस थे। तो इन सब कारणों से ये रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाता है। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट एंड द रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। थैंक यू चिल्ड्रेन।